हेलो फ्रेंड नमस्कार, रक्षास किचन बास्केट में आपनु स्वागत है। आजनी जी रेसिपी है ए छे रूटीन शाक थी थोड़ी अलग है अने ए छे રીંગણાના ચિપ્સનું શાક। आ रेसिपी अलग એટલા માટે છે કે રીંગણાના ચિપ્સનું શાક છે જે તમે લંચ બોક્સ अथवा ट्रावेलिंग अथवा तो कोईपण तहेवारों में जेवा के सातममा के જ્યારે ठंडू खावानुं होय छे त्यारे आनो उपयोग करी शको छो, कारण के आ ए रीते बनाव्युं छे के जे लांबो समय सुधी सारू रहे छे। तो ए रीते आजनुं शाक छे ए રીંગણાના ચિપ્સનું कोरू शाकनी रेसिपी छे। जो तमने मारी आ रेसिपी गमी होय तो मारो विडियो लाइक करजो, शेर करजो अने मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो अने बाजुना बेल आइकॉनने पण टच करजो, जेथी करीने मारी जे कांई रेसिपी आवशे तेनी नोटिफिकेशन पण तमने मळी जशे। રીંગણાનું જે કોરું શાક બનાવવાનું છે એના માટે મેં 250 ગ્રામ રીંગણા લીધા છે। રીંગણા ઘણી જાતના અલગ અલગ મળે છે, પણ કોઈ પણ રીંગણા જે અવેલેબલ હોય એ લેવાના છે। એ રીંગણાને આ રીતે પાણીમાં સમારેલા છે, આપણે જે બટેટાની ચિપ્સ કરીએ એ રીતે, એટલી થિકનેસ છે। हवे 2 चमची तेल मूक्युं छे, एमां आपणे पहेला जीरुं एड करी दईशुं। मरचां अने आदुनी पेस्ट छे 1 चमची लीधी छे। हवे आपणे हींग नाखशुं અને હળદર। આની અંદર આપણે મરચાની પેસ્ટ નાખી દઈશું। લસણ અને લાલ મરચું બે વાટીને એની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। हवे आ त्रणेय वस्तुने आपणे थोड़ीवार माटे सोतळवा दઈએ 30 सेकंड माटे। तेल उपर आवी गयुं छे, आपणे લીમડો નાખી દઈએ, પહેલા ભૂલાઈ ગયો છે। હવે આપણા રીંગણા એડ કરી દઈએ। અને આપણે સાથે મીઠું પણ નાખી દઈએ અને પછી બધું એક સાથે સરખું મિક્સ કરી દઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે નમક, લસણની ચટણીમાં થોડું મીઠું નાખ્યું છે એટલે એ રીતે નાખ્યું છે। તો એક વખત આ બધું સરખું મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણે રીંગણામાં બરાબર મસાલો મિક્સ કરી દીધો છે। હવે આમાં પાણી આપણે એકદમ ઓછું નાખવાનું છે આ રીતે લઈ, कारण के રીંગણા तो जनरली तरत ज चढ़ी जाए छे। अने एनी पर आपणे एने धीमा गैसे ढांकीने राखशुं अने आनी पर आपणे पाणी राखी देशुं अने धीमी गैसे आंच पर एने 5 मिनिट माटे आपणे चढ़वा दઈએ। 5 मिनिट थई गई छे, मैं वच्चे खोलीने जोयुं हतुं, कारण के स्टीलनुं कढ़ाई छे एटले एल्युमिनियम करता आमा बेसवानुं थोड़ी वधारे बीक लागे छे। थोड़ा पाणीनी जरूर छे, तो पाणी जे नाखवानुं छे आपणे आ गरम ज एड करशुं, 1 चमची। अने उपर पाणी मूक्युं छे एना कारणे पण वराळनुं पाणी थई जाय छे। उपर पाणी मूकवानुं कारण जे छे के पाछी वराळ ठरीने पाणी थई जाय छे એટલે શાક ઝડપથી ચડી જાય છે, એટલે પાછું આપણે એને 2 મિનિટ માટે રાખી દઈએ। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ખોલી લઈએ। આપણા રીંગણા ચડી ગયા છે। હવે આ સમયે આપણે એમાં થોડું ધાણાજીરું 1 ચમચી એડ કરશું અને थोड़ी कमरथी खांड है, एकदम थोड़ी है, अर्धी चमची थी पण ओछी है। आमां मैं टमेटू क्यांय नथी वापरू। ज्यारे आपणे 12 कलाकथी वधारे शाक राखवा होय त्यारे एमां टमेटू नाखीए तो शाकनो टेस्ट चेंज थई जाय छे, बगड़वानी शक्यता वधारे रहे छे। एटले ज्यारे कोरवा शाक बनाववाना होय एटले लंच बॉक्स टिफिन के पिकनिकमां होय त्यारे तमारे ज्यारे राखवा होय 12 कलाकथी वधारे त्यारे टमेटू एड नहीं करवानुं। हवे एमां मैं चणानो लोट छे जे हूँ राखूं छूं आ रीते शेकीने ब्राउन थाय त्यां सुधीनो, ये आपणे थोड़ो आमां एड करशुं, अर्धी चमची, अने शेकेलो ज छे एटले लास्टमां ज नाखवानो छे। अने आ बधा शाक एवा छे के कोरा छे एटले कोई खटाश नहीं होय तो पण सरस लागे छे। लोट नाख्यो छे, खाली आपणे 1 मिनिट माटे एने राखी दीए। तो 1 मिनिट थई गई छे, आपणे गैसनी फ्लेम बंद करी देशुं अने आपणुं રીંગણાનું શાક रेडी छे।